गुड मॉर्निंग सर। जैसा कि हम लोग का चैप्टर है, हम लोग चैप्टर जो पढ़ेंगे उस चैप्टर का नाम हमारा है फाइनल काउंट। लोग का जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट, जिसको हिंदी में कहते हैं हम अंतिम खाता। तो फाइनल अकाउंट होता क्या है, बेसिकली जानना इंपॉर्टेंट है। फाइनल अकाउंट जो होता है ये बिजनेस टर्म के तहत सबसे लास्ट अकाउंट होता है, क्योंकि ये एक ऐसा अकाउंट है जो इस टर्म को रिप्रेजेंट करता है कि जो भी साल में आपका प्रॉफिट लॉस हुआ है वो किस प्रकार कितना प्राप्त हुआ है, वो रिप्रेजेंट करने का जो विधि होता है वो होता है फाइनल अकाउंट। पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस के तहत हमारा एक वर्क होता है, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग सर्कल। अकाउंटिंग सर्कल, अब अकाउंटिंग सर्कल जो होता है एक चक्र की बात ही होता है जो पूरे साल भर चलता है हमारा, पूरे ईयरली, चाहे वो कैलेंडर ईयर हो चाहे फाइनेंशियल ईयर हो। बिजनेस के तहत हम लोग फाइनेंशियल ईयर को यूज करते हैं, जो रिप्रेजेंट करता है कि पूरे फाइनेंशियल में बिजनेस अब जब स्टार्ट किए हैं और इंडिया में कितना फायदा हो रहा है वो हमको रिप्रेजेंट करता है किसके द्वारा, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग सर्कल के द्वारा सबसे पहला जो काम करते हैं वो हमारा जर्नल होता है। क्या होता है सर? जर्नल के बाद अगला जो वर्क होता है वो क्या होता है? लेजर होता है। लेजर के बाद अगला जो वर्क होता है जो होता है हमारा ट्रायल बैलेंस। क्या होता है सर? ट्रायल बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस के बाद सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो होता है फाइनल अकाउंट। क्या होता है? क्योंकि फाइनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी फर्म में जो भी आपका प्रॉफिट लॉस है, जो भी आपका ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस लॉस है, नेट प्रॉफिट है, नेट लॉस है, उसको हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार निकालते हैं, उस निकालने के प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट। नाम से ही पता चला है फाइनल मतलब अंतिम खाता। ये हर कंडीशन में साल के अंत में बनता है। हाँ, साल के तो हम लोग जानते हैं ईयर दो होता है, एक होता है कैलेंडर ईयर और एक होता है फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है सर? तो कैलेंडर ईयर जो होता है, जो हम लोग के घर में टंगा होता है, जो जनवरी टू दिसंबर चलता है, जनवरी टू साल 12 महीने का होता है, और एक होता है फाइनेंशियल ईयर जो हर बिजनेस फर्म के द्वारा स्टार्ट होता है, जो चलता है अप्रैल टू मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये भी 12 महीने का होता है। इसके तहत जब भी 1 तारीख होता है, चाहे वो 1 अप्रैल हो चाहे 1 जनवरी हो, वो ओपनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? और 31 जो होता है वो क्या होता है? क्लोजिंग होता है। तो इसी टर्म के तहत हम लोग क्या बनाते हैं फाइनेंशियल ईयर, मतलब अप्रैल टू मार्च कैलेंडर में होता है, जनवरी टू दिसंबर, और फाइनेंशियल होता है अप्रैल टू मार्च। तो फाइनेंशियल ईयर के तहत हम लोग जो बनाते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट। क्या कहते हैं सर? जो रिप्रेजेंट करता है कि फर्म के एंड में क्या आपको प्रॉफिट लॉस प्राप्त हुआ है। तो जो भी फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जो भी हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, तो फाइनल अकाउंट बनाने के लिए हम लोग 3 स्टेप यूज करते हैं। 3 स्टेप, कितना स्टेप्स? पहला स्टेप जो होता है वो होता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या होता है सर? दूसरा होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्या होता है सर? और तीसरा होता है बैलेंस शीट। क्या होता है सर? बैलेंस शीट। जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट होता है इसके आधार पे हमारा निकलेगा, चाहे निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, चाहे निकलेगा ग्रॉस लॉस, चाहे तो निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, चाहे क्या निकलेगा, जब पीएल बनाते हैं तो पीएल के तहत निकलता है या तो नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस। ट्रेडिंग के तहत, ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग होता है व्यापार खाता, प्रॉफिट लॉस होता है लाभानी खाता। तो प्रॉफिट लॉस के तहत बनता है नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। और तीसरा बनता है बैलेंस शीट, जिसके तहत हमारा एसेट्स और लायबिलिटीज का अमाउंट रिप्रेजेंट करते हैं और दोनों का अमाउंट क्या होता है? इक्विवेलेंट होता है। क्या होता है सर? तो ये तीनों कंडीशन के तहत क्या बनाते हैं हम लोग? तो ये स्टेप से ही अलग स्टेप है। ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, पीएल अकाउंट बनता है, फाइनल बैलेंस शीट अलग बनता है, लेकिन कंडीशन के तहत हमारा ट्रेडिंग और पीएल साथ ही बनता है। ये कंबाइंड बनता है, ये और ये इंडिविजुअल बनता है। तो कंडीशन जानने से पहले हर टॉपिक को पहले इंडिविजुअल सुनना पड़ेगा कि ट्रेडिंग क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है। तो सबसे पहला प्रोसेस हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट। क्या सर? ट्रेडिंग अकाउंट को हिंदी में कहते हैं व्यापार खाता। क्या बोलते हैं सर?
तो जब आप किसी भी कंडीशन में बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, मतलब बिजनेस को शुरुआत करते हैं, तो उस टर्म में बिजनेस में जो भी टर्म पुट आउट करते हैं, जो भी आप उसमें खर्च करते हैं और जो भी उसमें आइटम्स डालते हैं, वो किस प्रोसेस के तहत? व्यापार का, मतलब ट्रेडिंग कोड के तहत। किसके तहत? तो ट्रेडिंग कोड बनाने का एक फॉर्मेट होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मेट है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है, अगर आप ध्यान से देखें तो याद हो जाएगा सर। यहां पे लिखते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, क्या लिखते हैं यहां? लिखते हैं एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, एंडिंग यहां पे साल लिखेंगे, जो साल दिया है। कॉलम बनाएंगे, कॉलम बनाइए, ये होगा पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, और यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां पे लिखेंगे आपका अमाउंट, यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर, और यहां क्या लिखेंगे? सबसे पहले आप याद रखिए डेबिट को टू कहते हैं और क्रेडिट को, यहां पे पहला नाम जो लिखेंगे वो होगा ओपनिंग स्टॉक। क्या होगा सर? अब प्रश्न होता है सर, ओपनिंग स्टॉक होता क्या है सर? तो जब आपके पास जो स्टॉक पड़ा हुआ है, जो स्टॉक पहले से रिप्रेजेंट है, वो कहलाएगा ओपनिंग, क्या कहलाएगा? और जो बचेगा वो कहलाएगा क्लोजिंग, क्या बचेगा? तो सबसे पहले टू साइड में तीन आइटम पुट करेंगे, सबसे पहले मतलब क्वेश्चन बनाने से पहले पहले तीन नाम लिखेंगे। पहला नाम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, क्या लिखेंगे? दूसरा लिखेंगे परचेज, क्या लिखेंगे सर? इसके अमाउंट अंदर लिखेंगे, इसमें माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, क्या माइनस करेंगे? सबसे पहला काम ये तीन नाम लिखेंगे, अगर ये नाम दिया है तो भी लिखेंगे, नहीं दिया है तो भी लिख के छोड़ देंगे, क्लियर। उसके बाद बाय में लिखेंगे पहला नाम सेल्स, क्या लिखेगा? माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न, क्या माइनस करेंगे? और बाय में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग बताएं, जो बचा जो है ओपनिंग और जो बचा वो, इस तीन नाम को पुट करें, तीन इधर और तीन इधर। कंफ्यूजन होता है कि परचेज रिटर्न को हम रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं सर? और सेल्स रिटर्न को बोलते हैं रिटर्न इनवर्ड, क्या बोलते हैं सर? गुड, ये पहले तीन नाम पुट करेंगे, उसके बाद यहां लिखेंगे ऑल डायरेक्ट, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट। अब प्रश्न होता है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या सर? इधर तीन ही नाम लिखेंगे, चौथा नाम गलती से लिखेंगे। अब प्रश्न होता है सर ये डायरेक्ट क्या होता है सर और इनडायरेक्ट क्या होता है? तो याद रखिएगा कि हम लोग का एक्सपेंसेस जो होता है वो दो होता है, हम लोग का एक वर्ड है एक्सपेंसेस, क्या है? जिसको हम बोलते हैं खर्च, क्या बोलते हैं सर? एक्सपेंसेस को बोलते हैं खर्च, ठीक है। तो एक्सपेंसेस होता क्या है? एक्सपेंसेस मतलब होता है खर्च, क्या होता है सर? तो खर्च होता क्या है? खर्च मतलब होता है जब आप किसी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करते हैं, जब किसी प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, तो तैयार करने में जो एक्स्ट्रा अमाउंट लगा है सर, वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर में काम करने के लिए एक मजदूर चाहिए, ठीक है, हमने मजदूर को बुलाया, काम करवाया, शाम में उसको मजदूरी दिया, क्या कहलाएगा? एक्सपेंसेस दो प्रकार का होता है, एक होता है आपका डायरेक्ट, क्या होता है सर? और एक होता है इनडायरेक्ट, क्या होता है सर? एक होता है डायरेक्ट, क्या होता है? डायरेक्ट क्या होता है? डायरेक्ट मतलब होता है प्रत्यक्ष खर्च, क्या होता है सर? वैसा खर्च जो हाथों हाथ दे, हैंड टू, वैसा खर्च जो हैंड टू हैंड दे, हैंड टू हैंड दे। जैसे मजदूर काम करेगा तो मजदूरी लेगा, जिसको हम कहते हैं वेजेस, क्या बोलते हैं? मेरे साथ बोलेगा, जैसे कैरेज, कैरेज होता है भाड़ा, कैरेज इन वर्ड, कैरेज ऑन परचेज, नाम बोलिएगा सर, नाम बोलिए याद होता है, कैरेज ऑन परचेज। अगला ड्यूटी पेड, ड्रग चार्जेस, अब ड्रग चार्जेस क्या होता है? समुद्र से जब माल आता है सर, तो बंदरगाह में जो चार्ज देते हैं उसको होता है ड्रग चार्ज, क्या होता है सर? गैस वाटर, ऑल फैक्ट्री एक्सपेंसेस, जितना फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, अगला
अगला हमारा है वेजेज एंड सैलरी, एक साथ है वेजेज एंड सैलरी। अगला इंपोर्ट ड्यूटी, अगला है ऑक्ट्री, ऑक्ट्री दलाली कहते हैं चुंगी। ये जितना खर्च है ना सर, ये डाइट है। अब इसमें से जो भी नाम रहेगा वो तुम लिखेंगे, कहां लिखेंगे, कहां लिखेंगे, जितना भी नाम रहे कहां लिखेंगे सर, है तो लिखेंगे, नहीं है तो। लेकिन बाय में केवल तीन नाम होगा, सेल्स, सेल्स टन और क्लोजिंग स्टॉक। अब क्या कर देंगे, दोनों प्लस करेंगे, दोनों क्या करेंगे सर, दोनों प्लस करेंगे, इधर चलेंगे, दोनों प्लस करेंगे। अगर आपका इधर ज्यादा हो, जोड़ने पर आपका ये ज्यादा रहेगा, तो यहां पे जो निकलेगा वो निकलेगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट, क्या निकलेगा, क्लियर। मान लीजिए जुड़ के 1,00,000 है और इधर 90,000 है, तो कितना कम है, 10,000, तो 10,000 किस नाम से, और इधर ज्यादा इधर कम है, क्या होगा ग्रॉस, इधर लिखेंगे बाय ग्रॉस लॉस। तो चाहे तो प्रॉफिट होगा, चाहे क्वेश्चन बताते हैं, एक छोटा क्वेश्चन। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है, ओपनिंग स्टॉक दिया है हमारा 1,00,000, कितना दिया है, परचेज दिया हमारा 2,10,000, 2,00,000 परचेज टन दिया, 10,000 कितना दिया, सेल्स दिया हमारा 5,10,000, 5,00,000 सेल्स रिटर्न दिया, 10,000 कितना दिया, वेजेस दिया हमारा 20,000 कितना दिया, सैलरी हमारा दिया है 10,000 कितना दिया, और क्लोजिंग स्टॉक दिया हमारा, क्लोजिंग स्टॉक दिया हमारा 70,000 कितना दिया। बस सिंपल क्वेश्चन है, बोला ट्रेडिंग बनाने, क्या बोला सर, करना कुछ नहीं है। अभी आप बताए थे सबसे पहले ऊपर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट, क्या लिखेंगे, यहां लिखेगा एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, फॉर द कॉलम बनाने के बाद यहां लिखे पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर, और यहां लिखेगा पार्टिकुलर, यहां लिखेगा अमाउंट, यहां पार्टिकुलर, यहां लिखने के बाद क्वेश्चन तो गलती नहीं पढ़ाएंगे। सबसे पहले तीन नाम लिखेंगे, तीन नाम, पहला नाम लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, बोलिए सर, दूसरा नाम लिखेंगे परचेज, क्या लिखेंगे, माइनस परचेज रिटर्न, माइनस परचेज रिटर्न, बाय में लिखेंगे आपका सेल्स, माइनस क्या लिखेंगे, सेल्स, और बाय लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्या लिखे, लिख लिए। अभी इस नाम को यहां खोजेंगे, है तो लिखेंगे, नहीं तो भाई ओपनिंग है 1,00,000, ओपनिंग कितना है सर, कोई दिक्कत किसी को, परचेज है 2,10,000, 2,00,000 परचेज रिटर्न है 10,000, ये निकलेगा 2,00,000, कितना निकलेगा, सेल्स आपका दिया है 5,10,000, 5,00,000 रिटर्न दिया 10,000, निकलेगा ये 5,00,000, कितना निकला, क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपका 70,000। देखिए सबसे पहले उस नाम को पुट आउट करेंगे जो दिया हुआ है, उसके बाद शुरू से पढ़ेंगे क्वेश्चन और पढ़ेंगे और डालते आएंगे। सबसे पहला नाम क्या है, यूज कर लिए, अगला नाम क्या है, यूज, अगला नाम क्या है सर, यूज, अगला नाम क्या है, यूज कर लिए, अगला नाम क्या है, सर फायदा याद होगा इस तरह, अगला नाम क्या है, वेजेस होता है डेट एक्सपेंस है, तो लिखेंगे टू वेजेस, कितना अमाउंट है, अगला नाम पढ़िए सैलरी जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि सैलरी हैंड टू हैंड नहीं देते हैं, एक लिमिटेड टाइम के बाद देते हैं, चाहे मंथ में देते हैं, चाहे क्वार्टरली देते हैं, बेसिस देते हैं। जो हैंड टू हैंड रहेगा ना वो नाम याद रखिएगा सर, जो नाम बताए वो सारा डायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं होता है, ठीक है, बाकी क्या होता है इनडायरेक्ट, याद है सर, अभी आपको बताया केवल डायरेक्ट, क्या बताया सर, पुट करने बाद क्या करेंगे, दोनों जोड़ देंगे, दोनों क्या करेंगे सर, गुड। अभी हम जस्ट बताए सैलरी जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो सैलरी पुट आउट, केवल हम पुट करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, मतलब ये नाम, मतलब ये नाम जो आपको रिपीट करना पड़ेगा, बनाते बनाते याद करना पड़ेगा, सैलरी पुट नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ज्यादा ये लग रहा है, यहां लिखेंगे 5,70,000, 5,00,000, यहां भी लिखेंगे 5,00,000
भाई जो कम होता है उसको लिखेंगे टू ग्रॉस, कैसे आएगा रफ में घटाइए 5,70,000 घटाएंगे 3,20,000, कितना घटाएंगे 3,00,005, 2,50,000, आंसर कितना आया 2,50,000। हाँ या ना, किन्हीं को समस्या किन्हीं को प्रश्न, बस सरते बस यही ठीक याद रखिएगा कि क्वेश्चन बनाते समय सबसे पहले कॉलम बनाइएगा, पहले ये तीन नाम लिखिएगा, उसका अमाउंट पुट कीजिएगा और शुरू से पढ़ेगा और अमाउंट डालते जाएगा, बस सरते बस केवल माइंड में आपको सेटअप करना पड़ेगा कि कौन होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कौन होता है डायरेक्ट। अगला हमारा है प्रॉफिट लॉस, क्या इधर अगला हमारा है प्रॉफिट लॉस, बहुत इजी है, देखिए बहुत इजी है, उसके बाद क्वेश्चन बनाए मुझसे। तो प्रॉफिट लॉस का फॉर्मेट क्या होता है, यहां लिखेंगे प्रॉफिट लॉस, क्या लिखेंगे यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर द एंडिंग ईयर, वन ईयर एंडिंग, कॉलम बनाइए पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर, और पुट कर दिए यहां पे लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां क्या लिखेंगे सबसे पहले यहां लिखेंगे टू और यहां क्या लिखेंगे बाय, क्या लिखेंगे सर। तो पीएल तब बनता है जब ट्रेडिंग बनता है, बिना ट्रेडिंग का पीएल, तो यदि आपका ग्रॉस प्रॉफिट रहेगा क्या रहेगा, क्या रहेगा, तो यहां लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ है ना। यदि ग्रॉस लॉस हो तो यहां लिखेंगे टू में लिखेंगे, तो तभी भी क्वेश्चन में दोनों नहीं रहेगा, एक ही रहेगा, चाहे प्रॉफिट चाहे, चाहे प्रॉफिट चाहे। उसके बाद जितना भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, जितना भी हमारा कौन एक्सपेंस है वो सारा टू होगा, क्या होगा सर। और जितना भी हमारा इनकम होगा क्या होगा सर, वो क्या होगा बाय। अब याद करने ट्रिक क्या है कि इनडायरेक्ट होता क्या है सर, तो ध्यान देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता क्या है, मेरे साथ मिलेगा रेंट, सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, कैरेज ऑन सेल, पोस्टेज, टेलीग्राम, बैड डेब्ट्स, डिप्रिसिएशन, प्रिंटिंग, डिस्काउंट, इंश्योरेंस एटसेट्रा। ये जितना क्वेश्चन सर ये डायरेक्ट नहीं है, ये सारा क्या है, अगर क्वेश्चन में कोई भी नाम रहेगा, कोई भी नाम रहेगा सारा टू लिखेंगे, सारा क्या लिखेंगे। अब पहचानेंगे इनकम कैसे पहचानेंगे, किसी भी नाम में रिसीप्ट हो, मान लो रेंट देगा तो यहां लिखेंगे टू रेंट, क्या लिखेंगे क्लियर। लेकिन लिखा गया रेंट रिसीव्ड, क्या लिखा रहेगा, तो नाम में ही रिसीव्ड लिखा हुआ है, नाम में क्या लिखा हुआ है, तो मिली इनकम हुआ, क्या हुआ, तो यहां लिखेंगे बाय रेंट रिसीव्ड, रेंट मतलब किसी भी नाम के अंत में क्या हो, किसी नाम के अंत में क्या हो, क्या हो, वो बाय में होगा, ठीक याद रखिएगा। किसी भी नाम के अंत में रिसीव्ड हो या क्रेडिट लिखा हो तो हमेशा कहा जाएगा दूसरा कंडीशन। यदि मान लीजिए दो नाम, मान लीजिए एक नाम है अप्रेंटिक प्रीमियम, अप्रेंटिक तो भी बैन जाएगा। प्रश्न था अप्रेंटिक प्रीमियम क्या होता है, जब कोई व्यक्ति इंश्योरेंस करवाता है ना सर, तो जो पॉलिसी पैसा देता है उसको बोलते हैं अप्रेंटिक, क्या बोलते हैं अप्रेंटिक। एक और नाम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कहीं पैसा आप लगाते हैं तो उसको आप सूद देते हैं, तो उसके लिए फायदा है नुकसान। अगर किसी से आप 1,00,000 लिए और उसको दे रहे हैं 1,10,000, तो 10,000 उसके लिए क्या है, तो फायदा कहां जाएगा बैंक में, फायदा जाएगा सर बैंक में। अब क्या करना क्या है, दोनों जोड़ देंगे, दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे। दोनों जोड़ने के पश्चात यदि आपका ये ज्यादा है ये कम है, तो यहां निकलेगा नेट प्रॉफिट, क्या निकलेगा, और इधर ज्यादा कम होगा क्या होगा। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में कौन ज्यादा है, डेबिट के यदि क्रेडिट ज्यादा है तो प्रॉफिट और डेबिट ज्यादा है तो लॉस। तो ट्रेडिंग के बाद निकलता है हमारा प्रॉफिट है लॉस। इसका एक छोटा क्वेश्चन बताते हैं, मान लीजिए हमारा
मान लीजिए हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 1 लाख, कितना दिया? सैलरी दिया हमारा है 20,000, कितना दिया? डिस्काउंट दिया है 10,000, कितना दिया है? और डिस्काउंट क्रेडिट दिया है आपका 5,000, कितना दिया? इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ये दिया 1,000, कितना दिया? आपका पोस्टेज दिया है 5,000, कितना दिया? बोला है प्रॉफिट लॉस, क्या बोला सर? प्रॉफिट है, करना कुछ नहीं है। यहां लिखेंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, यहां लिखेंगे एज ऑन फॉर दी एंडिंग ईयर, एंडिंग कॉलम बनाएंगे पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर, और यहां लिखेंगे पार्टिकुलर, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां पार्टिकुलर, यहां भी डेबिट में 2 होता है, क्रेडिट में बाय होता है। कंडीशन में नाम याद रखने के लिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको ना तो डायरेक्ट याद होगा ना तो इनडायरेक्ट, तो क्वेश्चन बनाते हुए जाएगा। बहुत सारा नाम ऐसे ही बदलता है कि वो डायरेक्ट है कि, अब पहला नाम क्या दिया है? यहां लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि अभी जस्ट बताए थे ग्रॉस प्रॉफिट कहां होता है, कितना अमाउंट दिया सर? 1 लाख, कितना दिया है? अगला नाम है सैलरी, 2 सैलरी, कितना है सर? अगला नाम क्या है, कितना है सर? अगला नाम क्या है? तो डिस्काउंट क्रेडिट आ जाएगा सर, डिस्काउंट कितना अमाउंट है सर? कितना है? 5,000। अगला नाम क्या है सर? इंटरेस्ट ऑन आई एंड आई, शॉर्ट में कहते हैं आई एंड इंटरेस्ट ऑन में फायदा और हैं सर, कितना अमाउंट है सर? 1,000। अगला नाम क्या है, कितना है सर? क्या सर, अब जोड़ते हैं तो ज्यादा ये है 1,06,000, 1,00,000, यहां अभी कितना लिखे 1,06,000, अब प्लस करते हैं इधर कम होता है तो निकला क्या कहलाएगा, अब रफ में घटाइए 1,06,000 में जाएगा 33,000, कितना जाएगा? तो 0,00,01,71,000, कितना निकला? तो यहां पे आपका जो नेट प्रॉफिट आएगा वो कितना आएगा? 71,000। तो जो टॉपिक बताएं आपको हम बताएं बस 2 चीज, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट है, तो करना कुछ नहीं है। ट्रेडिंग में चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस और पीएल में चाहिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यदि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को माइंड में सेट रखते हैं तो आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व। अब आपको कुछ क्वेश्चन देते हैं, बनाइए, बना तो ठीक, नहीं बना तो नॉमिनल बताएंगे, कोई दिक्कत? इसका वीडियो हम भेज देंगे सर, क्योंकि दिक्कत तो पूछेगा, ठीक है।